दे दिए, ये कर तो चारों तरफ बंद, हम सामान कहां से ले? ए थाम थाम, काय रे इधर घूम रहे तुम? तुमको पता नहीं देश में लॉकडाउन चालू है? सरकार, हमका तो पता है कि देश में लॉकडाउन चालू है, लेकिन हमारे जोरू के पेट जो बच्चा भूख से तड़पता है, सरकार का कुछ होते नहीं पता ना। अरे कोरोना फैला है, मरना है क्या तुमको? ए क्या बच्चे साले, जोरू के हाथ में अपनी प्यास बुझाने निकला? हेलो, तुम जैसे लोग जब तक देसी ना चढ़ा लो, तुम लोगों की सुवा नहीं होती। चल चल धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। तो जो एक्टर हमारे पास आते थे, हमने उनको लेकर इसकी रिहर्सल शुरू कर दी। इन्होंने इसकी कहानियाँ लिखी, उसमें दो तीन कहानियाँ इनकी लिखी हुई है। तो हमने किसी तरह पांच कहानियों को कोरोना की उसको तैयार किया और लॉकडाउन में ही हमने इसकी रिहर्सल भी शुरू करवा दी थी। लॉकडाउन में हम रिहर्सल करते थे और ये अंदाज़ा नहीं था कि ये नाटक इस तरह से इतना अच्छा बन जाएगा और इतना अच्छा कोऑपरेशन हमको एक्टर्स का मिलेगा कि इसमें तकरीबन 25-30 एक्टर हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टेलीविज़न से जुड़े हुए हैं, सीरियल्स कर रहे हैं, वेब सीरीज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो हमारे साथ थिएटर कर रहे हैं, नाटक में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इतना समय वो इस प्ले के लिए दे रहे हैं। और वो लोग भी इसकी रिहर्सल करते हुए रोते थे, ये इतना इमोशनल कहानियाँ थी कि वो लोग भी रिहर्सल पे रोते थे, हमारे एक्टर। तो हमको लगा कि नहीं, कुछ तो इसमें अच्छी बात है, कुछ अच्छी कहानियाँ हैं। 40 साल से तो हम थिएटर कर रहे हैं, लेकिन अभी तो ये फ़िलहाल आज चौथा शो है, कल कांदिवली में पांचवा शो है इसका। हम लोग तो 40 साल से कर रहे हैं किरदार आर्ट एकेडमी से, जिससे अभी तक 200 ड्रामे हो चुके हैं और उसके 4000 से ज़्यादा शोज़ हम कर चुके हैं। चार लोग इसके राइटर हैं, कुछ मैंने लिखा है, कुछ ये डॉक्टर नाज खान ने कहानी लिखी है, एक मुमताज़ नियाजी है और एक जावेद सरवर है। चार राइटर हैं इसके और मैंने इसको डायरेक्ट किया है। तो चार राइटर से मिलकर अलग अलग कहानियाँ लिखी थी, उसको मैंने कंपाइल किया, एक किया और एक ड्रामा, चार पांच कहानियों को मिला के हमने डेढ़ घंटे का ये 90 मिनट्स का प्ले है। 90 दिन रिहर्सल हुई है अब तक इसकी और अभी तक इसमें जो है अब तक इसको 600 से ज़्यादा ऑडियंस देख चुकी है। ये जो शो था, ये हमने बहुत पहले ही कंसेप्चुलाइज़ किया था। अगर आप किरदार के पहले के प्रोडक्शंस भी देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमने हर मौजू पर प्ले किए हैं। लाइक जब बम ब्लास्ट हुआ था तो हमने एक प्ले किया था, ये किसका लहू है कौन मरा। तो जब गुजरात के दंगे हुए थे तो हमने शाह आलम कैम्प की रूहें की थी। तो किरदार का मोटो ये होता है कि हम जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी करंट चीज़ें हो रही हैं, वो सोशली लोगों पर कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं, उसको थिएटर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो एक कोविड भी एक ऐसा था जिसने सारे लोगों को हिट किया था, तो उसमें लोगों को क्या तकलीफ़ें हुई हैं, तो हमने कवर करने की कोशिश की है कि जितने भी सोशल तबके के लोग हैं, चाहे वो मज़दूर तबके के हों, छोटे से छोटे मज़दूर से लेके बड़े से बड़े डॉक्टर तक, सब इसमें अपने अपने तरीके से सफ़र हुए हैं, तो उनकी सफ़रिंग दिखाना मकसद था। आज का जो ये शो था बहुत कामयाब शो था, उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये जो थीम है वो हम सबको कनेक्ट करता है। कोरोना ये ऐसी चीज़ है जिसमें हम सब लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है, लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। और ये तीनों चारों राइटर्स जिन्होंने ये ड्रामे लिखे हैं, इकबाल सर की बेहतरीन पोइट्री है, मुमताज़ नियाज़ी का बेहतरीन ड्रामा है, जावेद सर और डॉक्टर नाज के ज़रिए भी लिखी हुई कहानियाँ बेहतरीन हैं जो दिल को छूती हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी टीम है जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया है, इकबाल सर की बेहतरीन डायरेक्शन है और अकबर खान की बेहतरीन लाइट्स हैं। तो नेट बहुत अच्छी प्रोडक्शन की वजह से ये आपको डेफिनेटली टच करेगा और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ड्रामा देखें और इससे महसूस हों। मेरी तरफ़ से नेक ख्वाहिशात इकबाल सर को, मुमताज़ नियाजी को और पूरी टीम को इस कामयाब शो के लिए। अलंतरानी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालों का इजहार कर सकूं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबका ट्यूब करता हूँ, कई मूवीज कर चुका हूँ और मेरी बहुत सालों से इच्छा थी कि मैं थिएटर करूँ, क्योंकि थिएटर के बिना एक्टर अधूरा है। तो ऐसे ही हमें इकबाल सर का पता चला, इकबाल सर ने हमें चांस दिया। मैं अपने आप को खुद
नसीब वाला समझता हूँ कि जो इकबाल सर के थिएटर में हमें काम करने को मिला और उससे मतलब बहुत कुछ पा लिया मैंने। सर आपने अभी तक कितनी फिल्मों में डबिंग किया जाए? मैं अभी जैसा हाल ही में रुद्रा किया, मैदान किया हूँ, एक्शन जैक्शन किया और ऐसे बहुत छोटे मोटे, और खुद के अभी मेरी खुद की एक हेरा भरी मराठी जिसमें मैं टोटली सिंगम हूँ, मेरी अभी रिलीजिंग है, अभी एक बंगलो नंबर 99 मार्च 17 को रिलीजिंग है, तो ज़रूर देखना सबने। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे पुलिस का रोल निभाया है, तो इस पर आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी मैंने बस 4-5 दिन में किया हूँ, लेकिन जो हम स्टूडियो जैसा कैमरे के सामने जो करते हैं और थिएटर पे करते हो बहुत चेंज है, उसमें रीटेक होते हैं लेकिन इसमें वन टेक में करना पड़ता और बहुत कुछ चेंज है। आज मेरे को ऐसा करके कि मैं भाई ऐसा खुद को मेरे को फील हो रहा है कि मैं अभी प्रॉपर एक्टर बन चुका हूँ, पहले ऐसा महसूस नहीं था। थिएटर करें बाद में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी थिएटर करें और एक बार थिएटर का एक्सपीरियंस जरूर ले, थिएटर करनी अच्छी बात है। और मैं आज मेरे खुद को नसीब वाला समझता कि मेरे को थिएटर का काम करने का चांस मिला और वो भी इकबाल सर के साथ में। जी तैयारियां तो ऐसी थी कि थिएटर तो मेरा पहली बार था, एक्टिंग करती हूँ लेकिन थिएटर कभी नहीं किया था, तो बस हमें किनारा मिला, इकबाल नियाजी सर से मुलाकात हुई, पता लगा तो इन्होंने निकलवा दिया। मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था कि स्टेज पे परफॉर्म कैसे करते हैं, थिएटर का कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सर ने मुझे 3 दिन में कैरेक्टर पकड़वा दिया कि ये कैरेक्टर है। बाकी ऐसा था कि हम भी गाँव के परिवेश से हैं, गाँव में देखा इस तरह का, और एक समाज सेविका भी मैं हूँ, तो इस तरह से मैंने लॉकडाउन में अपनी आँखों से ये सब नज़ारे देखे तो इसलिए मालूम था, तो वो उतर गया दिल में। और इसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो अदा किया वो इकबाल नियाजी सर ने, हमारे डायरेक्टर ने। इसके अलावा आप और क्या करते हैं, टीवी सीरियल वगैरह? जी मैं टीवी सीरियल तो कम किए हैं, मैंने सीरियल तो कम किए हैं और मैंने फिल्म की है, शॉर्ट फिल्म की है, और अभी एक वेब सीरीज कर रही हूँ तो एमएक्स प्लेयर के लिए है, आ जाएगी तब, उसका जाटलैंड नाम है उसका। तो जी सर कहते हैं कि आर्टिस्ट एक खाली डब्बे की तरह होता है, पानी की तरह उसका बहाव होना चाहिए और जिस डब्बे में जालो उसी का आकार उसको ले लेना चाहिए, तो हम पानी की तरह किरदार एकेडमी में आए, इकबाल नियाजी सर के पास आए, उन्होंने हमें एक रूप दिया मजदूर का। और रहेगी बात इंस्पिरेशन की, तो मैं लॉकडाउन में घर गया था तो मैंने बहुत सारे मजदूरों को स्ट्रगल करते हुए देखा, हम 4-व्हीलर से जा रहे थे, वो पैदल चल के जा रहे थे, बच्चे थे गोद में, तो वो सारी चीज़ें जब रिकॉल होती तो कहीं ना कहीं अंदर से आपको झकझोर देती है, तो वो चीज़ें मेरे किरदार को और बड़ा बनाने में बहुत मदद की। आप थिएटर के अलावा और क्या क्या करते हैं? थिएटर के अलावा सर मैं भी 3 वेब सीरीज शूट किया हूँ, एक नेटफ्लिक्स का, अभी उत्तराखंड जा रहा हूँ मैं, 27 तारीख से लेकर 6 तारीख तक एक शूट है संजय मिश्रा सर के साथ में, और ऐसे ही और प्लानिंग चल रहा है शूट का। जो हाल ही में जो वेब सीरीज है उसका कुछ नाम बताया गया? सर अभी माफ़ी चाहता हूँ उसका डिक्लेयर करने के लिए। और उसके पहले कुछ? उसके पहले मैंने मौकायद वारदात सीरियल में पुलिस का रोल किया था और 2-3 सीरियल से जहाँ मैंने काम किया है। थिएटर बैकग्राउंड से मैं 2018 से जुड़ा हूँ, मेरे पहले गुरु थे अजय कुमार सिंह सर जिनके यहाँ मैंने इमोशन सीखा, उसके बाद इस अबोध बालक को नया मंच प्रदान किया किरदार एक आर्ट अकेडमी के इकबाल नियाजी सर जी। थैंक यू सो मच। और इसमें आपको क्या सबसे अच्छा सीन लगा? सारी स्टोरी ऐसा है जो किसी न किसी से रिलेट करता है, सभी स्टोरी आम आदमी से सबके साथ रिलेट करता है, तो वो चीज़ अच्छा लगा क्योंकि कॉमन है, पूरे हम लोगों को रिलेट करता है। सर जो आज किरदार आर्ट एकेडमी का जो ये शो हुआ है कोविड के दौर पे, जो रियलिटी एकदम दिखाया गया है, जो प्लान हुआ मजदूर प्लान के कोविड के दौर में और डॉक्टरों के साथ जो जान बचाने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया, पुलिस वगैरह, तो इस पर इस शो के ऊपर आपका क्या इजहार ख्याल है? एक्चुअली मैं शो के बारे में क्या बताऊं, मैं तो बहुत ही इमोशनल हो गया था, मतलब कोई भी ऐसा किरदार नहीं था जो अपने से रिलेट नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा था जैसे हम लॉकडाउन में घर में बैठे थे और टीवी में जैसे हम न्यूज़ देखते थे, और वो हकीकत आज हम लोग को इस प्ले के ज़रिए देखने को मिला। मैंने जितने भी सीन्स देखे इसके, मैं सब में बड़ा इमोशनल, बहुत इमोशनल हुआ। पर हाँ कहीं कहीं कुछ कुछ जो कॉमेडी सीन थे, जो एक बाई का कैरेक्टर कर रही थी वो बड़ा अच्छा की, और एक जो हमारे बंगाली का कैरेक्टर कर रहे थे उसका भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो कहीं कहीं बीच बीच में जो ये आ रहे थे कॉमेडी वाला, तो वहाँ कहीं ना कहीं तो एक राहत मिल रहा था इंटरटेनमेंट के साथ। हाँ नहीं तो कहीं कई जगह मैं बड़ा इमोशनल
और हमारे जो डायरेक्टर साहब थे, जो शायद उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते में कुछ कुछ नए नए कलाकार आए थे और उन्होंने इतनी जल्दी तैयार किया हूँ, तो मैं समझता हूँ ये बहुत मजा आया। मैं इकबाल सर को बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि इतना बड़ा वाला प्ले उन्होंने इतने जल्दी और इतना अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच। और कुछ पूछना चाहेंगे? थैंक यू। कोरोना को मैंने बहुत करीब से देखा, कोरोना को मैंने बहुत लिखा, लेकिन कोरोना जो एक्चुअली है, जो एक्चुअली था, अब कम होने लगा है, लेकिन उसका जो तासुर है ड्रामे में उससे ज़्यादा नज़र आया, ज़्यादा नज़र आया। जो ड्रामे में काम करने वाले लोगों ने कोरोना को जिस तरह बरता है, ऐसा बहुत कम लिखने में आया है।